ठीक सुबह उठने के बाद और ठीक रात को सोने से पहले, ये दो ऐसे समय यानी टाइम है जब आप अपने दिमाग को एक गजब तरीके से इफेक्ट कर सकते हो, अपने दिमाग की शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर सकते हो और अपने दिमाग की फुल पोटेंशियल यानी अपनी दिमाग की जादुई शक्तियों का पूरी तरह से इस्तेमाल कर सकते हो। चाहे आपको कोई कुछ भी बोले कि दिमाग की शक्तियों का इस्तेमाल इस समय करो, उस समय करो, ऐसे करो, वैसे करो, पर रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद ये दो समय दुनिया की सबसे पावरफुल यानी शक्तिशाली समय में से एक है। पूरे दिन भर आप बिजी रहते हो, चाहे पढ़ाई में चाहे जॉब में, उस समय तो आप अपने दिमाग को कंट्रोल नहीं कर सकते और उस बिजी यानी व्यस्त समय में आपकी दिमाग की एनर्जी यानी ऊर्जा बहुत कम हो जाती है, क्योंकि आप बिजी रहते हो और आपकी सारी ऊर्जा आप जो काम उस समय करते हो उसमें लग जाती है। ज्यादातर फैसले जो आप अपनी जिंदगी में लेते हो वो आप अपने वर्किंग आवर में लेते हो, मतलब जब आप नॉर्मल काम कर रहे होते हो। पर आपको शायद उस समय की शक्तियों के बारे में नहीं पता जब आप सुबह उठते हो। सुबह सुबह उठने के बाद जो आप सोचते हो, जो आप अपने बारे में सोचते हो, आपका मूड जैसा होता है वो आपके पूरे दिन में क्या होने वाला है उसको तय करता है, उस पर प्रभाव डालता है। कहने का मतलब ये है कि रात को सोने से पहले वाली समय और सुबह उठने के ठीक बाद वाली समय, इन दोनों समय की शक्तियों से आप जिंदगी में जो चाहें वो पा सकते हो। सुबह उठने के बाद जो सबसे पहला काम आपको करना है वो है अलर्ट हो जाना। मतलब मान लो आपके कमरे में घुस के आपके ऊपर कोई बंदूक तान दिया, तब आप कौन सी स्टेट में होते हो? तब आप एक अलर्ट स्टेट में होते हो, मतलब एक जागरूक स्टेट में। क्या आपने कभी सोचा है कि आप हमेशा अपनी जिंदगी में कुछ न कुछ करते क्यों हो? आप अपने क्लास में टॉप क्यों करना चाहते हो? आप अपने जॉब में हाईएस्ट लेवल प्रमोशन क्यों चाहते हो? इसका आंसर है खुशी। ये तो हम सबको पता है, पर टेक्निकली खुशी का मतलब होता है हाई एक्टिविटी, मतलब जब आपकी जिंदगी की गतिविधि की ग्राफ हाई होती है। अपनी जिंदगी की 24 घंटे को, एक दिन को आप एक ग्राफ मानो। जब आपके साथ कुछ बहुत अच्छा या फिर कुछ बहुत बुरा होता है, तब आपकी जो ये ग्राफ है ना वो ऊपर चली जाती है, मतलब आपकी लाइफ की एक्टिविटी यानी गतिविधि बहुत ज्यादा होती है। तो वही जो मैंने कहा था, अगर कोई गन तान दे तब आपकी ग्राफ सडनली हाई होने लगती है, आप पूरी तरह से अलर्ट हो जाते हो। और पूरी दुनिया में यही लोगों को चाहिए, हाई ग्राफ। आपको अपनी जिंदगी में एक्टिविटी चाहिए, तो आपको अपने आप को ऐसा बनाना होगा कि आपकी जिंदगी में हमेशा हाई एक्टिविटी हो। और ये तभी हो सकता है जब आप अलर्ट रहोगे, मतलब एकदम जागरूक, एकदम वर्तमान में। अलर्ट रहने से आपका सबकॉन्शियस माइंड ये सोचता है कि आप एक हाई ग्राफ की स्टेट में हो, और वो आपकी जिंदगी में ऐसी ऐसी सिचुएशन यानी परिस्थितियों को जन्म देता है जो आपके फायदे की हो, और उस ऊंचे ग्राफ को वो और ऊंचा कर देता है और आपकी जिंदगी में अच्छी चीजें होने लगती है। और अगर आप खुश रहना चाहते हो तब आपको अलर्ट रहना सीखना होगा। अलर्ट रहने के लिए जब सुबह सुबह आपकी नींद टूटेगी, तब जब आप लेटे हुए ही पोज में रहते हो ना, मतलब नींद खुलने की तुरंत बाद वाली पोज में, तब उसी जगह पर, उसी पोजीशन पे आप अपने अलाइवनेस को फील करो, मतलब आप जिंदा हो इस फैक्ट को महसूस करो। ये सोचो कि सुबह उठने के बाद आपको 46,400 रुपए मिले हैं। आप ये वर्चुअली सोचो कि आपके पास 46,400 रुपए हैं और हर एक रुपए आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट यानी जरूरी है। जानते हो ये 46,400 क्या है? ये है 60x60x24, ये है 60x60x24। 1 मिनट में 60 सेकंड, 60 मिनट्स में 1 घंटे और 24 घंटे में 46,400 सेकंड्स। समय इस दुनिया की सबसे कीमती चीज है, और अगर आप इसे पैसे के रूप में देखोगे और अगर आप इसे रुपए मानोगे और सुबह सुबह इस बात को फील करोगे, तब आपके सब कॉन्शियस माइंड में वो बात चली जाएगी। और उसके बाद सिर्फ आप ही समय के महत्व को नहीं, आपके साथ साथ आपका सब कॉन्शियस माइंड भी इस महत्व को समझ जाएगा, क्योंकि आप समय को पैसे से तौल रहे हो। और पैसे की वैल्यू, पैसे की इमेज आपकी माइंड में कैसी है और पैसा कितना इम्पोर्टेंट है यानी जरूरी है, वो तो आप जानते ही हो और आपकी सबकॉन्शियस माइंड भी जानती है। उसके बाद आप अपने आप ही उस समय को ऐसे यूज करोगे कि आपकी जिंदगी में फायदा ही फायदा होगा। इस तरह समय की कीमत तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाएगी, पर आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये बताना भी होगा कि आपको अपनी जिंदगी में चाहिए क्या। उसी लेटे हुए पोज में समय को पैसे के रूप में देखने के बाद
आपको उन चीजों के बारे में सोचना होगा जो आप अपनी जिंदगी में चाहते हो। ये तो ऑब्वियस बात है, आप अपनी जिंदगी में क्या चाहते हो इस चीज को क्लियर करोगे तभी आपका सबकॉन्शियस माइंड उस समय को उस जगह पर लगाएगा। समय का महत्व आपके सबकॉन्शियस माइंड को पता लग जाएगा, पर अपने लक्ष्य को तय करना भी उतना ही जरूरी है। सुबह उठने के ठीक बाद आपको अपने लक्ष्य के बारे में सोचना चाहिए, इससे आपका सबकॉन्शियस माइंड उस समय को ही आपसे ऐसे यूज करवाने लगेगा जिससे आप अपनी जिंदगी में वो चीजें पा सकोगे जो आप चाहते हो। हर सुबह जब आप उठते हो तब आपको एक बात को याद करना चाहिए, अपने आप से कहना चाहिए कि आज आपको एक पूरा का पूरा नया दिन मिला है, एक और चांस मिला है अपने सपने की तरफ बढ़ने का। सुबह उठने के बाद आपके पास दो ऑप्शंस रहती है, इन दोनों में से एक को आपको चुनना है। आप तब भी रोबोट की तरह अपने डेली रूटीन को फॉलो करो, नहीं तो कॉन्शियस होके अलर्ट होके अपनी दिन की शुरुआत करो। सुबह सुबह ठीक उठने के बाद जो आप एफर्मेशन ट्राई करते हो ना, वो भी बहुत गजब तरीके से काम करती है। सुबह उठने के बाद आप अपने लेटे हुए पोजीशन में डेली समय को पैसे से तोलने वाली टेक्निक को तो आप प्रैक्टिस करोगे, पर एफर्मेशन को आपको लेटे हुए नहीं बैठ के प्रैक्टिस करना होगा। ज्यादा समय नहीं लगेगा, बस 2 से 5 मिनट। लेटे हुए वो टाइम वाली टेक्निक के बाद आप सीधे इस पोज में बैठो और अपने आप से कहो, आपको अपने आप से इन लाइंस को कहना है, आज मैं बहुत स्वस्थ और मजबूत महसूस कर रहा हूँ, मुझे आज वो सब मिलने वाला है जिससे आज का मेरा ये दिन अच्छा जाएगा। आज के दिन जो भी चुनौतियाँ आएंगी उन सब को मैं पार कर दूंगा, आज मेरे साथ बहुत अच्छी चीजें होंगी, आज का दिन अच्छा जाएगा, आज का दिन मजेदार होगा, मैं बहुत लकी हूँ, मैं सक्सेसफुल जरूर बनूंगा। जो पहले मैंने आपको टाइम को रुपए में सोचने वाली टेक्निक को बताया, उसे तो आपको फील करना है, मतलब महसूस करना है, मन में सोचना है, पर इस एफर्मेशन को आपको सिर्फ महसूस ही नहीं करना, इसका आपको पूरा फायदा तब मिलेगा जब आप इसे बार बार बोलोगे, मन में फील करोगे तभी ये काम करेगा। इस पोज में बैठकर अगर आप धीरे धीरे भी बोलोगे तब भी ये एक बहुत गजब तरीके से काम करेगा। आपको ये फैक्ट जान लेना चाहिए कि जब आप किसी चीज को रिपीट करते हो, आप बार बार बोलते हो, तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन में चली जाती है, और यही वो वजह है जिसके चलते ये एफर्मेशंस बड़ी जबरदस्त काम करती है। जानते हो हमारे देश में बहुत कम ही लोगों को एफर्मेशंस के बारे में पता है, सिर्फ हमारे देश में ही नहीं इसके बारे में दुनिया में बहुत कम ही लोगों को पता है। बहुत कम ही लोगों को पता है कि एफर्मेशंस की शक्ति क्या है, आप इससे क्या क्या कर सकते हो, इससे आप लिटरली अपनी पूरी जिंदगी को पलट सकते हो। मैं आपको बार बार बोलता रहता हूँ ना कि जो आप सोचते हो वही आपको मिलता है, पर आपको इस फैक्ट को भी जान लेना चाहिए कि अगर आप सोचने के बदले बोलोगे तब वो और भी शक्तिशाली तरीके से आपको अफेक्ट करती है। जब आप कुछ सोचते हो तब वो इंस्ट्रक्शन या संदेश ब्रह्मांड में चली जाती है। आप सुबह के वक्त जो सोचते हो ब्रह्मांड उसी बात को सुनता है, पर जब आप बोलते हो तब वो और भी तेजी से इस ब्रह्मांड में जाती है। बोले हुए शब्द में बहुत शक्ति होती है। एक बार आप कुछ बोलते हो और दिल से बोलते हो तब आप सोच भी नहीं सकते हो कि ये आपको कैसे अफेक्ट कर सकती है। आप जो एफर्मेशंस बोलोगे उसे तो रिपीट करोगे ही, पर सिर्फ रिपीट ही मत करो, उसे दिल से बोलना। ये नहीं कि आप उस पोज में बैठ के बोल रहे हो पर सोच कुछ और रहे हो। आपको पूरी एकाग्रता के साथ पूरी लगन से कहना होगा कि आई एम हेल्दी, आई एम स्मार्ट, मैं हेल्दी हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, आई एम इंटेलिजेंट, मैं बुद्धिमान हूँ। आप सोचोगे उसके बदले बोलोगे तो उसकी शक्ति 1000 गुना बढ़ जाती है। दिन में आप जब चाहें तब इसे नहीं कर सकते हो। सुबह उठने के ठीक बाद अगर आपने इन एफर्मेशंस को प्रैक्टिस किया तब आप जो जो बोलोगे वो सब आपकी जिंदगी में होने लगेगा। मतलब आपको अंदर से पूरी तरह से एनर्जी से भरना होगा, एकदम सुपर चार्ज रहना होगा। यहाँ पर मेन प्रॉब्लम ये आती है कि दिन के किसी भी समय में आप सुपर चार्ज नहीं हो सकते। दोपहर के 2 बजे अगर आप उस समय सोचोगे कि आप सुपर चार्ज बन जाओ एकदम से, तो आप ये नहीं कर सकते। आप उस जादुई समय में ही सुपर चार्ज हो सकते हो, उन 2 जादुई समय में, रात को सोने से ठीक पहले और सुबह उठने के ठीक बाद। पर रात को सोने से पहले चार्ज होने का क्या फायदा, पर सुबह उठ के तो कर सकते हो ना। सुबह सुबह शायद आप हेल्दी हैबिट्स को फॉलो करते हो जैसे मेडिटेशन, प्राणायाम और योगा, पर आप में से कई लोग ये सब नहीं करते होंगे। आप कोई हैबिट को फॉलो करो या ना करो, जो टेक्निक मैंने आपको बताया है उस टेक्निक से आपके दिमाग में बहुत सारे चेंजेस यानी बदलाव होने लगेगी।
और आपके दिमाग का रूप ही बदल जाएगा और आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना और नीचे कमेंट भी करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए लाता रहता हूँ। सब्सक्राइब करने के बाद आप उस घंटे को ऑन जरूर कर देना ताकि नई वीडियोस आप सबसे पहले देख पाएं।